हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा की रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। 2 टीस्पून तेल से इसे एयर फ्रायर में बनाकर तैयार किया है। बहुत ही आसान रेसिपी और झटपट बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो देख लेते एयर फ्रायर में इसे किस तरह बनाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है, 500 ग्राम है, जिसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया। इसे हमें मैरिनेट करना है। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च को इस तरह से ग्राइंड करके ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून से कम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप उसके हिसाब से ऐड करें। 1/2 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून से कम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। चिकन के पकौड़े बना रहे तो उसके लिए 2 टेबल स्पून भरकर बेसन ऐड कर देंगे और 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़कर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर तंदूरी चिकन का मसाला ऐड करेंगे। इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर और बेसन में थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें ऑयली ऑयल ऐड किया है, इसका जो टेस्ट है चिकन पकौड़े में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसानी से झटपट आप एयर फ्रायर में टेस्टी और क्रिस्पी चिकन पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। सारे मसालों को अच्छे से चिकन की पीस में मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब आप इस तरह से कोई टूथ पिक ले लें और इस तरह से चिकन की पीस में अच्छे से इस तरह से होल बना देंगे। ऐसा करने से मसाले अंदर तक पहुंच जाते हैं और अंदर से भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो इस तरह से सारे पीस में करने के बाद मसाले को अच्छे से सेट करेंगे। मसाले को चिकन में अच्छे से लगाने के बाद इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। चिकन को रखे हुए 1 घंटे हो चुके, इसमें थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। एयर फ्रायर को प्री हीट करके इसमें 1 टीस्पून तेल को अच्छे से प्लेट में लगा देंगे और इसके बाद ये सारी पीस इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। चिकन पकोड़े को एयर फ्रायर में पकाने के लिए 20 मिनट का टाइम लगेगा और इसे हम 200 टेम्परेचर पर पकाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएगा। तो इसका जो टाइम है 20 मिनट सेट कर लिया, इसे हम बीच में 10 मिनट के लिए चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके, चिकन पकोड़े को चेक करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से एयर फ्रायर हुआ है और काफ़ी अच्छा ऊपर से क्रिस्पी दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा यानी कि 1/2 टीस्पून जितना मैं बटर ऊपर से इस तरह से लगा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एयर फ्रायर में बनी हुई जो रेसिपी होती है वो ऑयल फ्री होती है, तो इस तरह से आप हल्का सा बटर लगा दें। 10 मिनट के लिए हम इसे दोबारा एयर फ्रायर कर लेंगे 200 टेम्परेचर पर। ऊपर से काफी अच्छा क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज्यादा ये जूसी चिकन पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड, आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके से एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाएं। बहुत ही ज्यादा चटपटे और टेस्टी ये चिकन पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चिकन पकौड़े की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें।